हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हारिस है और आप देख रहे हैं टेक रील। जैसे आप सभी जानते हैं, आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत ही दिक्कत होती है घर से काम करने में या घर से पढ़ाई करने में। तो ऐसे टाइम पे जो है सैमसंग ने एक बजट टैब रिलीज किया है, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं उसका रिव्यू बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा टैब है, ये करीब 15,500 में आपको अमेजोन में मिल जाएगा, अभी ऑफर चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया टैब है। तो चलिए हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस, ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 10.4 इंचेस का, 15,500 मिला है मुझे ये अमेज़ॉन पे। आप देख सकते हैं 20,000 999 इसका प्राइस है। अभी आप जाके ख़रीद सकते हैं तो आपको 1,500 का कूपन मिलेगा, जिसमें आपको 14,000 का पड़ेगा। ये 3GB रैम और 32GB मेमोरी के साथ में आता है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो टैब है ये बजट टैब है, तो इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग करेंगे अभी हम। जैसे ही हमने अनबॉक्सिंग की और जैसे ही हमने बॉक्स को लिफ्ट किया, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है खुद एक टैब जो स्पेस ग्रे कलर में आता है। ये पूरा मेटल बॉडी का है और थोड़ा सा प्लास्टिक इंक्लूड किया है इन्होंने, जहाँ पे एंटीनास शायद है, तो पूरा मेटल है। बहुत ही अच्छी बात है कि ये सैमसंग जो है मेटल बॉडी दी है इन्होंने, प्लास्टिक नहीं है। तो 4 स्पीकर्स आते हैं इसके साथ, क्वाड स्पीकर्स हैं, और कैमरा भी सेंटर पोजीशन में दिया है, तो कॉलिंग के लिए सब बहुत ही अच्छा है। कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का है। और टैब के अलावा बॉक्स में हमको देखने को मिलता है कुछ पेपर वर्क, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी, तो ये तो बेकार के हैं, चाहिए तो आप फुर्सत में पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में मिलता है हमको एक सिम एजेक्टर टूल, और इसके अलावा ये 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग, लेकिन हमको सिर्फ 5W का चार्जर देखने को मिलता है, जो बहुत ही मैं कहूँगा बेकार है, क्योंकि बहुत ही टाइम लेगा, क्योंकि 7000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार माइक्रो USB चार्जर नहीं, हमको टाइप सी चार्जर मिलता है, और केबल का क्वालिटी ठीक ठाक है, बट टाइप सी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बॉक्स को क्विकली साइड में रखते हैं और टैब को देखते हैं। तो टैब जैसे आप देख सकते हैं, हम अब बहुत ही अच्छा टैब है, ये पूरा मेटल बॉडी है और सैमसंग का ब्रांडिंग है सेंटर में। तो कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे टैब में कोई फोटोज लेता नहीं है, बट फिर भी कैमरा जो है इंक्लूड किया है। और इसको क्विकली पावर ऑन करते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन होता है, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 पावर्ड बाय एंड्रॉयड, ऑल्सो सिक्योर्ड बाय नॉक्स। सो नॉक्स की सिक्योरिटी मिलती है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो जैसे ही ये बूट हो रहा है, आप देख सकते हैं सैमसंग का ब्रांडिंग है यहाँ पे, तो अच्छा टैब कहूँगा मैं, बहुत ही बड़ा है, मेरे हाथ में आपको थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पे, स्मजेस जो है आप आ जाएंगे, शायद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मेटालिक बॉडी और मैं कहूँगा मैट फिनिशिंग है, तो इतने फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। तो चलिए क्विकली सेटअप करते हैं इसको, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अभी। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो ये अपडेट चेक करेगा और क्विकली जो है सेटअप हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं थोड़े गूगल वगैरह लॉगिन करने के लिए पूछेगा, जिसको हमने स्किप किया है अभी, बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं उसको। तो बहुत ही सिंपल UI कहूँगा मैं सैमसंग का, जब ये ऑन होता है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल ऐप्स हैं। नेटफ्लिक्स प्रीलोडेड मिलता है और LDR1 का सपोर्ट है, तो HD कंटेंट देख सकते हैं आप नेटफ्लिक्स पे। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इसका, 10.4 इंच का डिस्प्ले है और क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये जो है सैमसंग गैलेक्सी A7 टैब है, बहुत ही बढ़िया टैब है, इसको मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। और अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है फेस, जो फेस आईडी है आप देख सकते हैं खुल गया, और मैंने उसको हल्का सा सेटअप किया है। जो OTT ऐप्स हैं, हॉटस्टार देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स तो ऑलरेडी इसमें था, गूगल फोटोज़ और थोड़े ऐप्स हैं, एक फ्री फायर गेम है जो मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो बहुत ही अच्छा टैब है मैं कहूँगा आपको, अगर क्या बोलते हैं आपको, अगर सिम एजेक्टर यहाँ पे है, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई मॉडल है, तो यहाँ पे सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा अभी, एक मेरे पास एक 256GB का मेमोरी कार्ड है जो मैं इस्तेमाल करूँगा इसके साथ।
तो माई फाइल्स में जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप SD कार्ड जो है 216 GB आउट ऑफ 238 GB अवेलेबल है, तो ये 1 TB तक एक्सपेंडेबल है आपको। यहाँ पे दो फायरिंग स्पीकर्स और यहाँ पे दो फायरिंग स्पीकर्स, चार स्पीकर मिलते हैं, टाइप सी मिलता है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और यहाँ पे एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, तो बहुत ही अच्छा टैब है ये। क्विकली अगर मैं आपको साउंड टेस्टिंग दिखाऊँ इसकी, तो तो बहुत ही अच्छा साउंड आता है इसमें। और अगर क्विकली एक वीडियो प्ले करेंगे यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। कलर्स जो है वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स भी बहुत जल्दी ओपन होता है क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, LDR उनका सपोर्ट है इसके साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, सारे ऐप्स अच्छे ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर फ्री फायर कोई लैग नहीं है गेम पे, देख सकते हैं आप अच्छे से ओपन हो रहा है, तो गेम भी जो है कोई लैग नहीं है। और कैमरा भी यहाँ पे आपको सेंटर में देखने को मिलता है। वैसे इसका कैमरा जो है इतना इतना खास नहीं है क्योंकि टैब में जो है अक्सर कोई भी फोटोज नहीं खींचता, तो कैमरा ओके ओके है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ शॉट्स हैं जो मैंने कैमरा पे लिए हैं। तो फोटोज़ के लिए तो ठीक है, उसके अलावा बात करूँगा तो बहुत ही अच्छा टैब है। और सैमसंग UI 2.5 के साथ में आता है ये। देख सकते हैं 2.5 और एंड्रॉइड वर्जन 10 आता है साथ इसके। तो गाइस जैसे कि आपने देखा बहुत ही अच्छा टैब है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको खरीदें। और 10.4 इंच का है, इतना बड़ा टैब आपको 15,500 में सैमसंग की तरफ से मिल रहा है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी मेटल है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको डेफिनेटली खरीदें और इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलता है मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।